ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे ना, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल एनालिटिकली किस तरह से करते हैं ना। दोनों में से कोई भी तरीके यूज कर सकते हो और दोनों ही अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चंस जल्दी करने, फटाफट करने हैं तो पूरा दिमाग में दोनों ही अच्छे तरीके से बैठे होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राफिकल है ना, या फिर ज्योमेट्रिक एडिशन बोल दो। ठीक है, जो भी है एडिशन को, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, देखो ना, यहाँ मान लो तुम्हें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ये तुम्हें ए वेक्टर दिया है और एक वेक्टर दिया है बी वेक्टर, इसको तुम्हें ऐड करना है। इसको ऐड कैसे करते हैं? तो देखो, इसमें ऐड करने के लिए हमारा रूल होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हेड टू टेल जॉइन करना है तुम्हें। हमेशा याद रखना, एंगल निकालने के लिए टेल टू टेल रखते हैं, पर जब तुम्हें ऐड करना है तो हेड टू टेल जॉइन करना पड़ेगा। मतलब क्या करो, अगर इसको ऐड करना है तो बी वेक्टर को यहां पे शिफ्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसका हेड किससे टेल जुड़ता है, फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कुछ भी करता है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको ऐड करना है तो हम हेड टू टेल जॉइन करेंगे। ए वेक्टर को ऐसा ही रखते हैं जैसा था और बी वेक्टर को क्या कर देता हूं, यहां पे लगा देता हूं, बी वेक्टर को यहां पे लगा लिया। ठीक है, सबसे पहले तो ये करा, हेड टू टेल लेके आए। अब क्या करो, अब इसका देखो क्या खाली है, टेल। इसका क्या खाली है, हेड। तो जहां टेल है वहां टेल बना दो, जहां हेड है वहां हेड। ये तुम्हारा आगे नया वेक्टर, यही वेक्टर क्या कहलाएगा तुम्हारा, एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। समझ में आया क्या? सबसे पहले क्या करना, हेड टू टेल जॉइन करो। देखो स्टेप से करो, स्टेप नंबर 1 देखो, जॉइन टू वेक्टर्स हेड टू टेल, जॉइन टू वेक्टर्स हेड टू टेल। स्टेप नंबर 2 देखो, जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ऐसे draw a new vector starting from the tail of first vector, draw a new vector starting from the tail of first vector and terminating at the head of second vector, starting from the tail of first vector, starting from the tail of first vector and terminating at the head of second vector. This is the resultant of two vectors. This is the resultant of two vectors. आइए हम ये जो यहाँ पर है, तो देखो फर्क नहीं पड़ता तुमने किसकी टेल किसके हेड से जॉइन करी, कुछ भी करो सेम ही आता है ना। अभी ये मैं तुम्हें सिमुलेटर पे भी करके दिखा दूंगा, अभी तो ऐसे हाथ से कर लेते हैं। मान लो मैं ए वेक्टर को यहाँ पे ले जाता, मान लो ए वेक्टर को यहाँ पे ले जाता तो क्या हो जाता तुम्हारा, बी वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर के यहाँ पे रख दो, ए वेक्टर के यहाँ पे रख दिया। अभी भी जो आएगा ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, तो ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल वेक्टर्स है ना। अब हमने रफ डायग्राम बनाया इसलिए तुम्हें लग रहा होगा अलग अलग हो गया एंगल वगैरह, वरना बिल्कुल आइडेंटिकल है ये वेक्टर। तो तुम किसी के भी हेड को किसी के भी हेड से जॉइन कर दो और जिसका जहाँ टेल खाली है वहाँ टेल बनाओ, जहाँ हेड खाली है वहाँ हेड बनाओ, तुम्हें रिजल्टेड मिल जाएगा दो वेक्टर्स का। क्लियर है क्या? इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाता है, देख लो ना। ठीक है अपना ट्राइंगल ऑफ एडिशन। अगला देखो, फिर ऐसे ही होगा पैरेललोग्राम लॉ। अब ये पैरेललोग्राम लॉ कुछ नया नहीं है, है तो यही, बस नाम अलग दे दिया। देखो सेम ही है, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है, तो उसमें बोलते हैं कि पूरा पैरेललोग्राम तैयार कर लो, पहले बी को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ऐसा आ जाएगा, ए को यहाँ पे शिफ्ट कर लो ऐसा आ जाएगा। चले अब इनका रिजल्टेंट चाहिए तो डायगनल बना दो, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम बन गया ना, ये दोनों इक्विवेलेंट पैरेलल है, ये दोनों भी इक्विवेलेंट पैरेलल है, तो रिजल्टेंट चाहिए तो क्या करो डायगनल बना दो, इधर जहाँ पे टेल से वहां से स्टार्ट करो, जहाँ पे हेड से वहां पे खत्म करो, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ये क्या कहलाएगा, से आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर तुम्हारा क्या है, ए वेक्टर प्लस
तो बस ये तुम्हारा पैरेललोग्राम होता है। ये जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो डायगनल होता है वो तुमको क्या दे देता है, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट या फिर एडिशन। याद रखना कौन सा डायगनल लेना, ये वाला डायगनल नहीं लेना, वो डायगनल लेना जहां पे दोनों टेल और दोनों हेड हो। बाकी इसको याद रखो, नहीं रखो तब भी चलेगा, बस नाम के लिए बता दिया, काम सारा यही करता है। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये है, फिर दूसरा वाला डायगनल क्या बता रहा है, मान लो आपको नहीं पता हमको क्या बता रहा है, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं ना। मैं पता करना चाह रहा हूँ कि ये वाला एक डायगनल और बना दे, आप अगर इस डायगनल को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, चलो मैं ऐसे बना देता हूँ। अब मैं पता करना चाह रहा हूँ दूसरा डायगनल क्या बताता है, मुझे खुद भी नहीं पता है ना, तो इसको कुछ भी मान लो, इसको कोई अननोन है ना, अननोन को मान लेते हैं ये एक्स फैक्टर है। अब मैं फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ ये क्या है। तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन से बताओ, इन तीन वेक्टर्स को देखो, बी वेक्टर, एक्स वेक्टर और ए वेक्टर। अब ये तीन वेक्टर देखो, बी वेक्टर, एक्स वेक्टर और ए वेक्टर है ना, तो इसमें इन तीनों में से कोई दो वेक्टर को ऐड करने पे तीसरा वेक्टर मिल रहा होगा तुमको, है ना। अब कैसे देखेंगे कौन से दो को ऐड करें, कंफ्यूज हो रहे इन दोनों, ये दोनों, तो हमको पता है जब ऐड जो ऐड हो रहे होते हैं, ऐड करने के लिए अभी अपने क्या पता क्या होना चाहिए, हेड टू टेल। तो देखो कौन से दो हेड टू टेल जॉइन है, मैं कह रहा हूं इन तीनों में से किसी दो को ऐड करने में तीसरा मिल रहा है। अब वो दो कौन से हैं जिनको ऐड करने में तीसरा मिल रहा है, तो वो दो वेक्टर ढूंढो जो जिनकी हेड और टेल मिल रही हो। देखते हैं सर, ए और बी की मिल रही है क्या, नहीं, इनकी टेल टेल मिल रही है, तो मैं टेल और हेड को मिला रहा है। चलो एक्स और ए को मिल रहा है क्या, नहीं, इनके हेड हेड मिल रहे हैं। एक्स और बी क्या इनकी मिल रही है हेड टू टेल, इन दोनों की हेड टू टेल मिल रही है, मतलब ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो देखो देख भी सकते हो तुम, बी वेक्टर एक्स वेक्टर को ऐड करा क्या मिला तुम्हें, तो यहां पे हमको दिख रहा है बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर क्या है, तो तुम्हारा एक्स वेक्टर क्या निकल के आया, ए वेक्टर माइनस। तो दूसरा वाला डायगनल तुमको क्या दे रहा है, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो पैरेललोग्राम का ये फायदा हो जाता है ना, अच्छा तुम पैरेललोग्राम बना देते हो तो एक डायगनल तुम्हें एडिशन देता है, दूसरा डायगनल तुम्हें क्या देता है, सबट्रैक्शन। अब याद रखना जहां पे हेड जाता है ना वहां से माइनस करना है। अगर तुमने डायगनल ऐसा बनाया है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखोगे, अगर हेड तुम्हारा बी वेक्टर की तरफ जा रहा है तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखोगे। इसको उल्टा कर दूंगा तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा ना, तो बना दो जी। चलो भाई पहले वाले बड़े ध्यान से देखना है ना जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा ये वेक्टर के बिना फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते। अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर कितना यूज था, अभी मैग्नेटिज्म आने वाला है, तो भर भर के वैसे ही वेक्टर मिलना है, बिना वेक्टर के कुछ भी नहीं होने वाला, ये समझ लेना आगे जाके। तो इसके कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखना, एक ही चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर हल्का सा भी डाउट छूट गया ना वेक्टर में तो पूरी फिजिक्स में वो डाउट बहुत बड़ा बन जाएगा जाके, वो तुम्हारे फिजिक्स से 10-15 कंसेप्ट बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो हर एक चीज तुम्हें क्लियर रखनी है, यही समझ लीजिए तुम्हें सेकंड मौका मिल गया वेक्टर पढ़ने का। और भाई अगर 11th में कोई है तुम्हारा क्या चल रहा है अभी, हाँ तो अभी तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा, अभी तो हल्का फुल्के पता चला हुआ है ना, डायनेमिक्स में तो चलो बहुत ज्यादा नहीं आता, प्रोजेक्टाइल वगैरह में हल्का फुल्का वेक्टर आता है, ये समझ लेना आगे का कोई चैप्टर वेक्टर के बिना नहीं है, मतलब हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग वेक्टर से होती है। जब तुम फोर्स पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन पढ़ोगे और फिर रोटेशनल वगैरह में तो बहुत हाई लेवल में आ जाएगा, और स्पेशली तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो तुमको यार ये वाला पसंद नहीं आता, अगर वो इतना सा पार्ट नहीं आता तो वो इतने से पार्ट से सबसे आगे के जाके 3-4 चैप्टर्स होंगे जो सिर्फ उसी पे पूरे चलते होंगे, तो पूरे चले जाएंगे। फिर ध्यान रखना वेक्टर बहुत अच्छे से क्लियर रखना है, कैसे नेचर से कैसे ऑब्जर्व करा, सही बोल सही कह रहे हो, पूरी फिजिक्स नेचर से ही ऑब्जर्व करिए, और कैसे ऑब्जर्व करा हमें। अरे अभी अगर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाना है एग्जाम्पल, अरे जो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया वो 3, 4, 2, 5, 7 जो कर रहा था मैं, है ना, तो भाई हर एक चीज का जवाब तुम्हें उसी से मिल जाएगा। जैसे हमने देखा ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बैठो है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो अब एक तरह से ये सोचो ना, एक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होगा, यहां से यही होगा। तो ऐसा है इसलिए मैंने ये बनाया, अब याद रखने के लिए हमने खुद को याद रखने के लिए ऐसा बोला कि हेड से टेल मिलाओ, फिर जहां टेल खाली है वहां टेल मिलाओ, क्योंकि हम याद रखना है। बाकी तुम डायरेक्ट सोच सकते हो, अगर तुम भूल जाते हो मेथड तो सोचो ए से बी गया, बी से ए गया, मतलब इधर गया फिर इधर गया, तो कहां से नेट क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब भी तुम्हें वेक्टर में कोई भी डाउट आएगा तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में सोच लेना, क्लियर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो वेक्टर में जो सबट्रैक्शन होता है ना, सबट्रैक्शन को एडिशन से ही डिफाइन किया जाता है, जैसे हमने यहां पे करा है ना, जैसे यहां पे तुमने क्या था, ये हमने r वेक्टर निकाला, r वेक्टर क्या था तुम्हारा, a वेक्टर प्लस
बी वेक्टर, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नया वेक्टर फाइंड करो, जैसे इसी क्वेश्चन में तुमसे कह दो, एक तो अपन यहाँ पे देखा जो निकल के आया हमारा, यहाँ पर मैं तुमसे कह दू ये ए वेक्टर और बी वेक्टर तुम्हें दिए गए, ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, मैं कह रहा हूँ फाइंड सम न्यू वेक्टर, से उसको एस वेक्टर बोलते थे, फाइंड एस वेक्टर सच दैट एस वेक्टर इज इक्वल टू से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ऐड करना तो मैंने तुमको सिखा दिया, अब सबट्रैक्ट कैसे करें, एक तरीका तो है पैरेललोग्राम बना लो, मैं कह रहा हूँ बिना अपनी कहानी नहीं करनी, पैरेललोग्राम बनाओ फिर ये सब करना नहीं है, आसान तरीका बताओ, सिंपल तरीका बताओ भाई। हाँ सही हो रही है, देखो क्या कर सकते हैं, देखो हम वेक्टर्स में मतलब सब्ट्रैक्शन भी एडिशन से ही करते हैं, तो मुझे क्या करना है, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को हटाना है ना, घटाना है, तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अरे आशिक तुम क्या कर रहे हो, ठीक है तो देखो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, बी वेक्टर में से ए वेक्टर घटाना था मुझे, तो मैं उसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ कि मुझे बी वेक्टर में ऐड करना है क्या, माइनस ए वेक्टर, मैं सब्ट्रैक्शन की एडिशन के तरीके से करूं, मुझे बी वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को ऐड करना है, बात तो सेम ही है ना, तो अब क्या करो भाई, माइनस ए वेक्टर तुम्हें आता ही है, अगर ए वेक्टर किया तो माइनस ए वेक्टर कैसे बनाओगे, उल्टा कर दो, उल्टा कर देते, ये क्या बन गया तुम्हारा माइनस ए वेक्टर, अब हटा दो इसको, पर एडिशन करना भी अपन ने सीख लिया, ट्रायंगल ऑफ एडिशन तो अपन ने अभी सीख लिया, ए वेक्टर से तुमने क्या बना दिया माइनस ए वेक्टर, अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड, इन दोनों को तो ऐड करना है ना, और ऐड करने के लिए क्या क्या करते हैं, कहां से कहां, हेड टू टेल, क्या ऑलरेडी हेड टू टेल है, जहां टेल खाली वहां टेल बनाओ, जहां हेड खाली वहां हेड बनाओ, ये आ गया तुम्हारा एस वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, तो बन गया ना, आया है नहीं आया समझ में, तो बदलो जल्दी से, ठीक है देखो अब यहां भी पॉलीगोन लॉ भी होते हैं ना, ट्रायंगल हो गया और क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया, पॉलीगोन जैसा भी होता है, देखो यहां पे पॉलीगोन में क्या करते हैं, मान लो दो से ज्यादा वेक्टर्स को जोड़ना है मुझे, ऐसे दिए मुझे वेक्टर, एक दिया है भाई मान लो, ये वेक्टर दिया है, फिर एक ये वेक्टर दिया है, मान लो एक ये वाला वेक्टर बोल देते हैं ए टू वेक्टर, ये मान लो ये 30 डिग्री एंगल है और ये भी 30 डिग्री है, ये थ्री वेक्टर है, और फिर एक और मान लो ये भी 30 डिग्री है, ये फोर वेक्टर, और गिवन है ए वन वेक्टर, ए टू वेक्टर, ए थ्री वेक्टर, ए फोर वेक्टर, इन सब का मैग्नीट्यूड बराबर है, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर सच दैट ए वन वेक्टर प्लस ए टू वेक्टर प्लस ए थ्री वेक्टर इक्वल प्लस, तो इन चारों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो किस तरह से करें ना, सभी के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो पॉलीगोन लॉ भाई कोई सिंपल है, ट्रायंगल जैसे ही है, कुछ नहीं हेड टू टेल ज्वाइन करते जाओ, ठीक है, तो सबसे पहले ए वन उठा लेते हैं, ए वन वेक्टर बना दिया, फिर ए टू वेक्टर कितने एंगल पे है 30 डिग्री पे, ए टू वेक्टर बना दिया अपन ने 30 डिग्री पे, अब ये ए थ्री ए वन वाले से कितने एंगल पे है 60 डिग्री पे, तो ए वन वेक्टर बना दिया, ए थ्री वेक्टर बना दिया 60 डिग्री पे, अब ये ए फोर कितने पे 90 डिग्री पे हो गया, ए फोर अपन ने बना दिया ना, ये 90 डिग्री का है, तो इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा, पॉलीगोन लॉ बोलेगा कि सबको ऐड करते जाओ और ये जो आ जाएगा वो तुम्हारा क्या है रिजल्टेंट वेक्टर, इसको मैथमेटिकली ऐड कर देना आ जाएगा, अभी हम आसान तरीका सीखेंगे इन सबको ऐड करने का, कंपोनेंट्स निकालते हैं, तो अभी पॉलीगोन लॉ बोलते हैं कि सबको हेड टू हेड ऐड करते जाओ, फाइनली जो था जिसकी टेल का दीवार टेल का उसका हेड का दीवार ऐड करो तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन भाई, मान लो ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है और ये तुम्हारा सी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, बस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सोचते हैं यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए वहीं वापस आ गए ना, तो जहां से स्टार्ट करा वहीं वापस आ गए, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जीरो में जीरो नहीं जीरो वेक्टर बोलते हैं ना, इसे नल वेक्टर भी बोलते हैं,
नल वेक्टर वो वेक्टर जिसका कोई डायरेक्शन नहीं डिफाइन कर सकते करो और उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी वेक्टर्स, कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स क्लोज्ड पॉलीगोन बना रहे हैं, कैसा भी है ना, ऐसा बना रहे, मान लो ये ऐसा गए फिर ऐसे भी चलेगा फिर ऐसे भी चलेगा ऐसे चलेगा, 3D में भी कुछ भी कर रहा है, पर जहां से स्टार्ट कर रहा था वहीं वापस आ रहे हैं, कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है पॉलीगोन को, पॉलीगोन का टू डायमेंशनल होता है, कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, नल वेक्टर जीरो वेक्टर, क्लियर है क्या?